नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। गुजरात विधानसभा में मारपीट, महिला मंत्री समेत चार घायल। गुजरात विधानसभा में गुरुवार को सत्तारूढ़ भाजपा तथा मुख्य विपक्षी कांग्रेस के सदस्यों के बीच मारामारी की घटना में एक महिला मंत्री समेत कम से कम चार विधायक घायल हो गए, जबकि कांग्रेस के दो विधायकों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। गत 20 फरवरी से शुरू हुए बजट सत्र के दौरान लगातार आक्रामक रूप दिखा रहे कांग्रेस के विधायक परेश धानाणी प्रश्नकाल के दौरान किसानों से जुड़ा एक प्रश्न पूछ रहे थे, जिसका जवाब कृषि मंत्री चिमन भाई सापरिया दे रहे थे, और इसी दौरान वे 1995 के पूर्व कांग्रेस शासन का जिक्र कर रहे थे। तभी दोनों पक्षों में जबरदस्त नोकझोंक हो गई। इसी दौरान कांग्रेस और भाजपा के विधायक आमने सामने आ गए और मारामारी जैसे हालात में महिला मंत्री निर्मला बेन बागवाणी, धानाणी और ठाकुर समेत कई सदस्य घायल हो गए। जबरदस्त हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई, लेकिन फिर भी हंगामा जारी रहा। बाद में अध्यक्ष ने धानाणी और ठाकुर को 31 मार्च तक चलने वाले इस सत्र की अवधि के लिए निलंबित कर दिया। उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया तथा कांग्रेस के सदस्यों के व्यवहार की कड़ी निंदा की। इधर कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि भाजपा तानाशाहीपूर्ण रवैया अपना रही है। ज्ञातव्य है कि इसी साल राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसके मद्देनजर यह आखिरी बजट सत्र पहले दिन से ही हंगामेदार बना हुआ है। कांग्रेस ने पहले दिन से ही नलिया दुष्कर्म कांड को लेकर जबरदस्त विरोधी रुख दिखाया है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ और प्रमुख हेडलाइंस पर। बहराइच में नरेंद्र मोदी का अखिलेश पर पलटवार, मैं तो गधों से भी प्रेरणा लेता हूं। बृहन मुंबई महानगरपालिका चुनाव में शिवसेना सबसे बड़े दल के रूप में उभरी, भाजपा दूसरे स्थान पर। बीएमसी चुनाव में कांग्रेस की करारी हार, मुंबई अध्यक्ष संजय निरुपम ने दिया इस्तीफा। लाहौर के एक रेस्टोरेंट में विस्फोट, 7 लोगों की मौत, 15 घायल। तुर्की सेना ने सीरिया में आईएस के 56 आतंकवादियों को मार गिराया। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।